देखिए आज हम इस ड्रीम स्टिच मशीन से जो है वो बटन होल्स बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से हमने इसका ये जो पिको का फुट लगा हुआ है इसको निकालना है। इसके लिए आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो यहाँ पे लगा हुआ है हुक इसको हल्का सा दबाना है। ये देखिए ये आपका फुट जो है वो निकल जाएगा। अब इसी तरह से देखिए ये जो हमारे पास बटन होल का जो फुट है उसको यहाँ पे रखेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये जो इसके बीच छोटी सी रॉड सी लगी हुई है इसको इस तरह इसके नीचे रखना है। देखिए अब यहाँ से ये जो हमारा लीवर है इसको छोड़ना है यहाँ से। ये देखिए ये लीवर जो है इसको ऊपर करके देखेंगे। देखिए जो है ये हमारा बटन होल का जो फुट है वो लग गया है। ये जो होल है वो आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए बटन होल बनाने के लिए जो है वो हमें इस व्हील को ही सेटिंग जो है वो यहाँ पे रखने की, यहाँ पे वन के सामने। और ये जो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ये जो व्हील इसको नंबर 3 पे रखना है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से इसे एडजस्ट कर लें आप, आपको कितना बड़ा कांच चाहिए। यहाँ से देखिए जितना आपने सेट किया हुआ है वहाँ पे रुक जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको फिर से चेंज करना है यहाँ से नंबर 2 पे। हल्का सा यहाँ पे प्रेस करना है आपको पैडल को, फिर इससे इसे नंबर 3 पे ले जाएंगे। जितना आपने गैप रखा है बटन होल के लिए वहाँ से इसे रोक देना है। अब फिर से इसे नंबर, और ये चेंज करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो नीडल है हमारी ये बाहर होनी चाहिए, नहीं तो सेटिंग चेंज करते टाइम आपकी नीडल जो है वो बीच में टूट जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसे नंबर 4 पे कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पास जो है ये बटन होल बन गया है। अब यहाँ से देखिए इसे बीच से हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास बटन होल बन गया है।